आज हम बनाएंगे रागी लड्डू। रागी लड्डू बनाने के लिए एक बाउल रागी का आटा ले लिए हैं, करीब 15 से 20 मखाना ले लिए हैं, सब मिक्स करके ड्राई फ्रूट ले लिए हैं करीब 2 टेबल स्पून के लगभग, 1 बॉल फ्रेश नारियल फाइन चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 150 ग्राम के लगभग गुड़। चलिए बनाना शुरू करते हैं रागी लड्डू। उसके लिए कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें डाल देंगे घी। घी हमारा गर्म हो गया, अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल के इसको तल लेंगे, तो हल्का रोस्ट करके इसको ठंडा हो जाएगा, तो खलबट्टे में कूट लेंगे, बस इतना ही रोस्ट करना था। अब इसको निकाल लेंगे, इसी कढ़ाई में मखाना डाल के भून लेंगे। मखाना अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है, अब इसको भी निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में रागी का आटा डाल के इसको भून लेंगे, अगर घी कम हो जाए ऊपर से और घी डाल देंगे। इसको लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक भूनेंगे। 5 मिनट हो गया है भुने हुए, अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे फाइन चॉप किया हुआ फ्रेश नारियल, इसको भी इसी के साथ भूनेंगे। तब तक ये भुना रहा है, तब तक ड्राई फ्रूट को कलबट्टे में इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट इसको थोड़ा थोड़ा क्रश कर देंगे, अच्छी तरह से कलबट्टे में कुटा गए, अब इसको निकाल देंगे। इसको भुने हुए 10 से 12 मिनट हो गया है, ये अच्छी तरह से भुना गया है, अब इसको निकाल लेंगे। तो बड़ा बाउल में सारा मिश्रण को एक बाउल में निकाल लिए हैं। इसी कढ़ाई में गुड़ को डाल देंगे, इसमें डालेंगे 1 कप पानी, गुड़ का 1 तार का चाशनी बना लेंगे। अब इसमें डाल देंगे कुटी हुई इलायची, गुड़ का 1 तार का चाशनी बना लिए हैं, चाशनी बन के रेडी हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे, अब ये चाशनी को ये बाउल में डाल देंगे, इसको इसमें डाल देंगे जरूरत के हिसाब से। सारा गुड़ का चाशनी को इसमें डाल दिए, अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो क्रश करके हमने रखा था, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिए हैं, तो हाथ में घी लगा लेंगे तरह से, और थोड़ा थोड़ा लेके इसको लड्डू के शेप में बना लेंगे। इसी तरह से सारा बना लेंगे। बनके रेडी हो गया रागी के आटा का लड्डू। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।